एक गांव में प्याज रहता था जो कि दिल का बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। मजदूरी करके वो अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। गरीब होने के कारण गांव में कोई भी उसको और उसकी पत्नी को इज्जत नहीं देता था। सुनिए जी, हम गरीब है तो क्या हुआ, इसमें हमारा क्या कसूर है? सभी हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? कोई भी हमसे अच्छे से बात नहीं करता। अरे भाग्यवान, घबराओ मत, मैं हूँ ना, एक दिन इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, ये सब हमारी इज्जत करेंगे। तुम बस उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, उसने जरूर ही हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बहुत बारिश होने लगी और प्याज की पत्नी प्याज से कहती है, सुनो जी, हमारा घर कच्चा है, इतनी बारिश भी हो रही है, अगर हमारे घर में पानी भर गया तो हमारे पास थोड़ा बहुत सामान है तो ये भी खराब हो जाएगा, अब हम क्या करें? अरे भाग्यवान, डरो मत, भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं, बारिश भी बहुत ज़्यादा है। चलो ऐसा करते हैं, कुछ ज़रूरी सामान लेकर हम अपने बड़े भाई के यहाँ चले जाते हैं, जब बारिश रुक जाएगी हम वापस आ जाएंगे। इतना कहकर प्याज कुछ ज़रूरी सामान उठाकर अपनी पत्नी को साथ लेकर बारिश के चलते ही अपने बड़े भाई के घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते आखिर वो अपने बड़े भाई के यहाँ पहुँच जाता है और अपने भाई को आवाज़ देता है, अरे बड़े भैया बाहर आओ। उसका भाई बाहर आता है और वो बोलता है, अरे इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने घर में ही नहीं रह सकते क्या? भैया बारिश के कारण मेरे घर में पानी भर रहा था तो सोचा कुछ जरूरी सामान लेकर आपके घर चला जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया, बस ये बारिश रुक जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी को तो तुम जानती हो, अगर तुम दोनों को मैंने घर के अंदर आने दिया तो वो मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देगी और मैं अपने घर में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहता, तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। प्याज और उसकी पत्नी दोनों वहाँ से वापस चल पड़ते हैं। चलते चलते अपने घर वापस आ जाते हैं। सुनो जी, किसी ने सच ही कहा है कि बुरे समय में तो अपने भी पराए हो जाते हैं। आप देख ही चुके हो कि जेठ जी का रवैया कैसा था। तुम घबराओ मत, भगवान ने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, हमारे ये दिन भी गुजर जाएंगे। बारिश रुक जाती है, प्याज काम की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। जब वो घर वापस आ रहा होता है तो क्या देखता है, एक बड़ी गाड़ी जो जंगल के रास्ते में कीचड़ में फंसी हुई है। प्याज गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी से आलू बाहर निकलता है। वो आलू एक बड़ा बिजनेसमैन था जो किसी काम के सिलसिले में इस तरफ आया था और बारिश के कारण उसकी गाड़ी यहाँ फंस चुकी थी। वो प्याज को बोलता है, अरे सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो गाड़ी बाहर निकालने में? मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप गाड़ी में बैठो, मैं टायर के आगे से कीचड़ हटाता हूँ। प्याज टायर के आगे से सारी गीली मिट्टी को साइड में हटा देता है और गाड़ी बाहर निकल जाती है। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम बहुत भले आदमी लगते हो, ऐसे जंगल के रास्ते में कौन भला किसी की मदद करता है। अच्छा ये बताओ, तुम क्या करते हो? साहब मैं गरीब आदमी हूँ, रोज मेहनत मजदूरी करके घर चलाता हूँ। आज काम की तलाश में निकला था लेकिन कोई भी काम मिला नहीं, अब घर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर जाओगे क्या? जी क्यों नहीं साहब, चलिए आप मेरे साथ चलिए। वो अमीर आलू प्याज के साथ उसके घर आ जाता है। प्याज का घर देखकर आलू उससे कहता है, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, ईमानदार भी बहुत हो, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आज से तुम्हें ऐसे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक अच्छा घर देता हूँ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो आलू प्याज और उसकी पत्नी को एक बड़ा घर तोहफे के रूप में देता है और प्याज को अपने साथ काम भी दे देता है। अब प्याज के हालात बदल चुके थे, उसके पास अच्छा घर अच्छा पैसा था, अब उसके गांव वाले भी इज्जत करने लगे थे।